सर कुछ अभी तो यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, हो गया है। हाँ एडिटिंग कर रहे हैं, तो ये कैसे एडिटिंग करते हैं क्या करते हैं अभी, इनको जो भी सिखाए हैं जितना उतना बस करने के लिए सीख रहे हैं, ताकि खाने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मटर डाल दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चारों बेटी ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग का 6:30 बज रहा है और अभी से हम लोग का काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब पानी आना चालू हो गया है ना। तो बारिश के सीजन में अक्सर हम लोग खेती वगैरह करते हैं और हम लोग का कुछ खेत वगैरह भी है, तो आप सब जानते हैं पहले से। तो अभी फिलहाल हम लोग इस जगह वाला में पार्सल ना पहुँचते टाइम लगा दिए थे हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ सब्जी जो खाने के लिए होता है। तो इस वर्ष गर्मी तो काफ़ी दिन तक किया, तो देख रहे पूरा इस तरह से। अब घर का काम में भी फंसे हुए थे, तो इसके वजह से हम लोग कुछ काम वगैरह भी नहीं किए और सब्जी वगैरह भी नहीं लगाए। तो सबसे पहले चलिए इसको मजबूत करते हैं। देखिए एक बैल जो था ना वाला पतला पतला दिया हुआ था, इधर से जैसे ही गया पूरा उखाड़ के फेंक दिया। तो इसमें अभी मुझे एक बीट और डालना होगा यहाँ पे, और एक तो है वहाँ पे, एक सेंटर में डाल देंगे ना तो मजबूत रहेगा, ऐसे कुछ ढुकेगा नहीं। और ऐसे वो सब चाली वगैरह है ना तो उसको तो रख दिए हैं, देखते हैं अगर मन करेगा तो यूज भी कर लेंगे, क्योंकि अभी मुझे प्लास्टर करवाना नहीं है। आप सब काफ़ी कमेंट करते थे, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा किसी आराम टाइम। तो फिलहाल इसको करना है मुझे, तो यहाँ पे एक गड्ढे खोदते हैं और यहाँ जितने भी टुकड़े ईंटे सारे कुछ भी है सबको सफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जी रहता है ना काफ़ी अच्छा होता है। मुझे यहाँ से तोड़ के ले जाना शूटिंग करने के लिए। चलिए ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मॉर्निंग में उठ के इस बम्बू का हम वहाँ से निकाल लिए थे, तो अभी यहाँ पे गधा खोद चुके हैं इसमें। अब इसको इस पर ऐड कर देंगे इस तरह से, ऐसे उल्टा डाले हैं, इधर का डालना चाहिए लेकिन इधर का पतला देख के डाले हैं। देखते हैं अभी इसको हम पलट के डाल देंगे, इस तरह से रहेगा ना वहाँ यहाँ यहाँ, तो जल्दी टूटेगा नहीं। तो चलिए इसको हम सबसे पहले जाम करते हैं अच्छे से। तो दोस्तों इस तरह से लगा के मिट्टी डाल के इस तरह से यहाँ पे जाम कर देंगे अच्छे से, इस तरह से कर देते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पे सफाई करने लगे, इधर का झाड़ी वगैरह पूरे तरह से कटिंग कर दिए, यहाँ जो भी था छोटे छोटे खुट्टी सब उसको भी, अभी चारों के साथ में इधर ये वाला पौधा को कुबार रहे हैं जहर से ही, क्योंकि ये जो है ना ये कोई फायदा का नहीं है, इसको ऐसे कर देना है। कहाँ चारू? हाँ चलो ना, तो कबाड़ों देखते हैं, चारू भी तो कबाड़ ही लेगी, एक कबाड़ के दिखा दो बेटा, तुम तो काम काफ़ी ज़्यादा करती है। कबाड़ो जोड़ लगा के, दूसरा कबाड़ो, दूसरा इसको कबाड़ो, इसको 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 इसको, हाँ इसको कबाड़ो, दोनों हाथे कबाड़ो 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 नहीं हुआ, कोशिश की है, कोशिश करना चाहिए, ऐसे कबड़ता है। चलो अब हो गया ना, दिखा दिए, बोल रही थी हमको दिखाइए पापा, इसीलिए दिखा दिए। तभी हम लोग इसको सफाई करेंगे वो एरिया तक में, देखते हैं पूरा तो अभी बोरा वोरा। हाँ हाँ तो कबाड़ो ना, तो दिखाएगी तो ठीक है। दोस्तों अभी हम लोग फटाफट इसको क्लीन करते हैं। तो उधर हम पूरी तरह से सर सफाई कर चुके हैं, देखिए पूरी क्लीन दिख रहा है ना, उसके घोरना बाकी है। तो चार मम्मी जानती है मुझे नहीं आता है, बस हम सारे कुछ कर दिए हैं, बस उसको घोरना बाकी है। तो फिलहाल इधर में देखिए ये जगह हम लोग को ना इतना दूर से मात्र पानी डिल जाता है, जिसका इस तरह से लेवल कर देंगे पानी डायरेक्ट उधर निकल जाएगा। और हम लोग का मिट्टी जो था ना यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा बचा हुआ था, तो यहीं वाला मिट्टी को ले के अभी हम वहाँ पे प्लेइंग करेंगे। हाँ क्या कर रही तुम? हाँ तुम तो कुछ ना कुछ करते ही रहती है ना, थक गए दोस्तों, काफ़ी जोर से ईंट भी ले गए उधर ना, इधर पे सारे ईंट को अच्छे से यूज करेंगे, बट अभी रख रहे हैं सोच समझ के यूज करेंगे। तो ये फिलहाल इसको हम लोग प्लेइंग करते हैं जगह पे, देखते हैं कितना क्या हो पाता है, यहाँ से यहाँ इसे प्लेइंग कर देंगे, देखते हैं फिर पानी आएगा उसके बाद फिर पता चलेगा। दोस्तों फाइनली मेरा जो काम कर रहे थे ना देखिए यहाँ पे रिपेयरिंग कर दी, यानी कि गड्ढे को पूरी तरह से भर दिए हैं। चारों यहीं पर काल डांस कर रही थी ना, तो चलिए हम तो पसीना पसीना हो चुके हैं पूरी तरह से। दोस्तों फाइनली हम लोग अभी अभी काम करके छुट्टी हुए हैं, जस्ट देखिए यहाँ पे इस तरह से पूरे, और वो घोरान जो टूटा हुआ था ना अभी वहाँ चारुक मम्मी से अच्छे से घोर चुके हैं, और चारुक मम्मी का बोरा वोरा भी सूख गया, और यहाँ पर भी हम लोग का हो चुका है पूरी तरह से। और चलिए अभी तो हम लोग खाना खाएंगे, चारुक मम्मी खाना निकाल रही है, और फाइनली अभी टाइम 10 बज चुका होगा लगभग। तो चलिए अभी काफ़ी ज़ोरों से भूख लग रहा है, खाना क्या क्या बना हुआ है, और मम्मी भी कुछ कर रही है, मम्मी शायद साग डाले हैं ना, जिस दिन हम मार साग एक लगाए थे ना उसको छनका दे रहे हैं। हाँ चारू अपना काम करके आई है इसलिए वो बोल रही है। तो चलिए अभी फिलहाल हम खाना खाएंगे दोस्तों, काफ़ी ज़ोरों से भूख लग रहा है,
खाने टाइम दिखाते हैं क्या सर। इस जगह मेरा एक्स्ट्रा मिट्टी था यहाँ से यहाँ तक, तो थोड़े हमने डाउन कर दिए क्योंकि ऐसे भी हमने इस तरह का छोड़े हैं, तो बाकी बात अभी ना इस तरह से क्लीन है। बाकी बात जब आषार का सीजन आएगा तो पूरे घास फूस से फूल हो जाते हैं हरे भरे, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी बात ऊपर वाला पे ऊपर छोड़ देते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल तो इस तरह से इसको पूरा कर दिए हैं, अब देखते हैं बिहीन कब लाते हैं, रोपाई उपाई करेंगे अच्छे से तभी। अभी चलते हैं फिलहाल खाना खाने, मेरे पास बात भी नहीं खत्म होता है। तो अक्सर जो खाने बनते हैं वही यहाँ पे देखिए, आलू और पकौड़ी और यहाँ पे साग जो मेरा फेवरेट है, काफी अच्छा लगता है, और चावल, क्योंकि साग इसलिए हम खाते हैं ना, उस पे माड़ होती है जो चावल की, वो भी विटामिन और साग भी, और काफी अच्छा भी लगता है खाने में, छनकाया हुआ रहता है तो काफी अच्छा लगता है, मुझे काफी ज्यादा पसंद है इसलिए से। फाइनली सोना जी भी लेके बैठ चुके हैं, चलिए अभी हम लोग खाते हैं। मम्मी लोग फर्स्ट टाइम खा लिए दोस्तों, हम लोग काम कर रहे थे तो मम्मी की तबीयत ऐसे खराब रहता है ना, तो बोले कि आप लोग पहले ही खा लीजिए और खा भी लिए, चलिए अच्छी बात है। ये फिलहाल हम लोग खाते हैं, तो फाइनली खाना खा चुके हैं। और खाना खाने के बाद में आप सभी को पता होगा कि हमारे घर में जो छोटी बहू थी उसकी बेटे का जन्म हुआ है, तो आज 6 दिन का छठियारी माना जाता है, और हर एक संसार में इसी का नियम किया ही जाता है, तो आज हमारे घर में है। तो अभी फिलहाल बाल दाढ़ी वगैरह हम लोग को कराना होता है, और मम्मी लोग को जो करना होता है वो लोग लेडीज लोग करते हैं। तभी फिलहाल चारों मम्मी जा रही है और हम चलते हैं अभी बाल दाढ़ी उधर, सारे गोतिये मिलके अपना जो भी कराना होगा सेविंग, खुशी का माहौल है, बाल दाढ़ी सेविंग जैसे भी कराना होगा करा लेंगे, तो चलते हैं फिलहाल। तो फाइनली हमने 11 बजे ही सारे सेटिंग वगैरह करा लिए, इधर थोड़ा थोड़ा करा लिया, इधर साइड साइड में कटिंग करा लिया, ऐसे मेरा थोड़ा बहुत बाल रहता है, और बारिश का सीजन आ रहा है तो थोड़ा बहुत रहना चाहिए, रहने दिए। तो छोटा छोटा कराने का मन था लेकिन नहीं कराए, और इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था कि क्या ही बताए, सारे जितने गोती लोग थे काफ़ी भीड़ थे, तो जल्दी जल्दी ठाकुर एक ही था तो जल्दी जल्दी कर दिया, और भी पुराना मॉडल का था तो हम लोग का मन पसंद लायक कटिंग नहीं करता। बाकी बात इसीलिए सोचे चलिए बस नियम करा लेते हैं, तो थोड़ा बहुत कर दिया, उसके बाद में आए खाना वाना खाएं, उसके बाद में थोड़ी सी आराम किए, जस्ट ही अभी उठ के बैठे हुए हैं। तो सोना जी अपना वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं क्योंकि इनको सिखा रहे हैं, ठीक है, अगर हम कहीं चले गए हैं किसी तरह से तो अकेले रहेगी, तो सारे कुछ अभी तो यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, हाँ एडिटिंग कर रहे हैं। तो ये कैसे एडिटिंग करते हैं क्या करते हैं, अभी इनको जो भी सिखाए हैं जितना उतना बस करने के लिए सीख रहे हैं, बस ज्यादा कुछ करना नहीं होता है ब्लॉगिंग में एडिटिंग करना, बस साउंड बढ़ाना होता है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको कट करना होता है, और वॉइस ओवर करना होता है जहाँ पे ना बोला जाए, जैसा सिचुएशन होता है हिसाब से, बस ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, स्पोर्ट करना, ये सब सारे कुछ सिखा रहे हैं। जैसे सीख जाएंगे तो अपलोड करना सिखा देंगे धीरे धीरे, ज्यादा कुछ नहीं, उसके बाद में फिर थंबनेल बनाना सिखा देंगे सिंपल वाला, बस इतना ही सिखाना है इनको, बाकी बात तो फिर सीख जाएंगे सारे, क्योंकि पहले से था भी नहीं दो मोबाइल, अभी आप लोग का दुआ से दो मोबाइल है, और हमने कौन मोबाइल खरीदे हैं, क्या किए हैं, आज छठी का मौसम है तो आज नहीं बताते हैं, बता देते हैं लेकिन नहीं बताएंगे, तो मम्मी का कुछ तबीयत आज इस प्रकार है, मम्मी को सुबह से दिखाए थे एक बार लेकिन अभी नहीं दिखाए। मम्मी बाल देख रहे हैं चिरा रही है तो हाँ ऐसे ही रहती, कभी किधर बाल कर लेगी क्या कर लेगी, अभी नहा धोया तेल लगा के, और ये भी नया नया पहनी है छठी है बोल के हाँ अब क्या करेंगे, कुदी तुम जाओ उधर, चलो तेल लगा देंगे चोटी बांध देंगे ने। और बाकी बात जितने भी रीति रिवाज नियम हुए हमारे छठी का दिन का, तो सारे सोना जी रिकॉर्ड किए हैं, उनका ब्लॉग जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है, और जो भी हुआ नियम, क्योंकि हर एक गांव में अलग अलग तरीके के होते हैं, हम लोग गांव में जिस तरह से हुआ है सारे वो किए हैं, अभी सुने थे हम कि वॉइस ओवर कर रहे थे, तो बाकी बात देखने भी नहीं गए किस टाइप का रिकॉर्डिंग किए हैं, क्योंकि आजकल पूरे छोड़ देते हैं उनके ऊपर कि अपने से करो ताकि सीखेगी, इसीलिए तभी करके बस जस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अक्सर हम लोग कुछ ना कुछ बना के खाते हैं, तो मॉर्निंग में जब काम कर रहे थे ना तो एक मुरही वाला आया था, तो उस मुरही को खरीद के रखे थे, तभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको कुछ स्पेशल खास बना ले रहे हैं ताकि खाने में भी अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे मटर डाल दे रहे हैं, अब मिक्सचर खास करके खोजने गए ना तो मिला नहीं वहाँ पे, सोना जी पूरे एकदम मजे में बना रहे हैं, इसको प्याज डाल दिए हैं, थोड़ी हरी मिर्च डाल दिए हैं, और चारों यहाँ खाने के लिए एकदम बिल्कुल बैठ के तैयार है मजे में, पूरा ध्यान से देख रही कब मिलेगा ना चारों, हाँ वैसे करके लेगी और पूरा देख रही है, तो पता नहीं थोड़ा सा सरसों तेल डालेगी ना, चारू कैसे ला रहा है, हम तेल डाल के खाएंगे, सबका अपना अपना पसंद होता है, सरसों का तेल हल्का डालेंगे ना क्योंकि झालमुरी जो बनाता है वो भी डालता है तो मजा आता है, हम डाल लेंगे थोड़ा सा उसके बाद में ही खाएंगे।
तो मॉर्निंग में बोले थे आप सभी को कुछ बातें बताएंगे जो आप सभी कमेंट करते हैं, काफ़ी प्यारा कमेंट करते हैं मेरे प्यारे ऑडियंस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, अच्छा लगता है। मम्मी को कुछ हॉस्पिटल ले जाना, ग्लूकोज पानी चढ़ाना, घर को प्लास्टर कराना। देखिए अभी हम लोग का ना ये खेती का सीजन आ रहा है तो कुछ बैकअप बचा कर रखना पड़ता है, कुछ पैसे जो कि हम लोग खेती कर पाए। खेती में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है, हुआ तो हुआ ना हुआ तो ना हुआ, लेकिन कोशिश हर एक लोग करते हैं इस सीजन में। हम लोग भी खेती करते हैं थोड़ी बहुत, जितने भी हम लोग का खेते हैं ना उस पर धान वगैरह लगाएंगे, मक्का लगाएंगे और भी जो कुछ लगाते हैं लोग सारे, हम लोग जितने गांव के लोग लगाते हैं हम लोग भी लगाते हैं उसी तरह से। इसलिए कुछ पैसा बैकअप रखना चाहिए, और अनहोनी कब क्या हो जाए, तर तबीयत ख़राब हो जाए ज़्यादा सीरियस, तो उसके लिए कुछ पैसे रखने पड़ते हैं। तो हमारे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा ख़त्म हो चुका है अभी फिलहाल, यहाँ काम करा के उतना ज़्यादा था नहीं, हम लोग भाटे में पता ही था आप लोग को 160 रुपया के लिए कितना ज़्यादा काम करते थे। आने के बाद में सारे कुछ किए आप लोग की दुआ से, तो सारे चलिए थैंक यू धन्यवाद जितने कमेंट करते हैं। बट अभी हम लोग उतना कुछ कर नहीं पाएंगे, बस सिर्फ सोचते हैं कि अगर हम लोग किसी तरह खिड़की वो साइड लगा देते तो अच्छा होता। अब देखते हैं, वो भी होता है कि हम खुद से बना लेते हैं कुछ जुगाड़, क्योंकि मुझे जुगाड़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अभी हम इस जगह पर आके हैं, बस इसी बांस जगह, अक्सर ज़्यादातर हम बांस ही जगह बिताते हैं टाइम, क्योंकि यहाँ पे देखिए छाया भी रहता है, इस जगह मेरा नेटवर्क भी पकड़ता है। तो चारू और चारू की दादी भी इसी जगह है, और आप लोग को दिल से थैंक यू, आप लोग काफ़ी अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं, बट मैं अफोर्ड नहीं कर पाता जिसके वजह से मैं सारे कुछ ट्रीटमेंटें नहीं कराता हूँ और कुछ काम को पेंडिंग रखे हुए रहता हूँ। तो क्या ही बोले, आज तो हमारे बड़े पापा का, छोटी बहू का छठी है, तो मेरे तरफ से हैप्पी छठी, कॉन्ग्रेचुलेशन मैं देता हूँ, आप लोग भी बधाई दे दीजिएगा, ठीक है। और वो अभी अच्छे हैं, चुस्त तंदुरुस्त हैं, डेली उनका ये दवा हो रहा है और अच्छे हैं। तो बाकी बात, आज तो सारे कुछ हमारे हिसाब से सारे कुछ कवर कर लिए, कुछ बाकी नहीं है, बस यहाँ तक करना था वो काम भी कर लिए। तो चलिए आज के ब्लॉग हम इतने ही रखते दोस्तों, और सबसे लास्ट में आप सभी को दिल से थैंक यू, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।